लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली इन तीनों टूल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर लूजी टूल, पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक टूल की कमांड्स और उसको यूज करने की टेक्निक्स जो है वो शामिल थी। इन्हीं तीनों टूल्स से स्टार्ट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है इन तीनों टूल्स का कि आप पिक्चर की कटिंग करते हैं और उसे किसी नए बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं इन तीनों टूल्स की मदद से, ये जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं और इनको इस्तेमाल करते हुए कुछ नए आइडियाज आपके सामने थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज सिलेक्शन के हवाले से, अगर मुझे पिक्चर ओपन करनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप फाइल में जाएं, ओपन की कमांड का इस्तेमाल करें और पिक्चर जहां भी आपके पास मौजूद है वहां से आप अपने लिए पिक्चर चूज करें, फाइनली ओपन करें, वो पिक्चर आपके पास आ जाएगी। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करें और पिक्चर में जाएं, जो भी पिक्चर आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करें, ओपन करें, वो पिक्चर आपके पास आ गई। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं पिक्चर को सिलेक्ट करने के हवाले से। फिलहाल मैं यहां से इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं। अब करना यह है कि इस पिक्चर को मुझे कट करना है और पहले फेज के अंदर मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं एक नया पेज पहले सिलेक्ट करता हूं, लाइक मैं विड्थ के अंदर 11 इंच और हाइट के अंदर 8.5 इंच, रेजोल्यूशन 72, आरजीबी मोड, बैकग्राउंड व्हाइट सिलेक्ट करके ओके करता हूं। एक ब्लैंक पेज मेरे पास आ गया। अब इसमें अपनी मर्जी के बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं उसमें हम ग्रेडेड कलर की तरफ चलते हैं। ग्रेडेड टूल के अंदर एक दिया हुआ है पेंट बकेट। पेंट बकेट मीन्स कि जो कलर आप यहां से चूज करते हैं उनमें से कलर अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट यानी पेज पे फिल करना है तो आप जस्ट क्लिक करें, वो कलर आपके पेज पे फिल हो जाएगा। आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि आपको हर काम एक न्यू लेयर पे करना है और बैकग्राउंड लेयर पे कोशिश करके कोई काम नहीं करना। तो मैं अंडू करता हूं, बैकग्राउंड के लिए एक नई लेयर बनाता हूं और अल्टर बैक स्पेस जिसका शॉर्टकट है वो यूज करके कलर फिल कर सकता हूं। तो आप चाहें तो यहां से कलर अपनी मर्जी का चूज करें और बकेट की मदद से कलर फिल कर दें, या फिर अल्टर बैक स्पेस की मदद से आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट मेथड्स मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट काम हम ये कर रहे हैं कि कलर के अंदर हमें ग्रेडेड कलर फिल करना है। तो इसी बकेट में हमें ग्रेडेड टूल नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसके अंदर कलर्स की डिफरेंट वेराइटीज मौजूद है। इनमें से कोई भी कलर ऑप्शन चूज करें और जस्ट ड्रैग करें, आपके पास वो कलर फिल हो जाएंगे। और यहां पर कलर फिल करने की 5 डिफरेंट वेराइटीज हैं। लाइक पहला जो हमने कलर फिल किया वो लिनियर ग्रेडेड था। अगर मैं रीडायल ग्रेडेड लेता हूं तो ये सर्कल शेप के अंदर कलर फिल कर रहा है। थर्ड जो है वो मेरे पास एंगल ग्रेडेड है, ये सॉर्ट ऑफ जो है वो एक स्पॉटलाइट की तरह है, ये लाइंस की तरह ही प्रिंट करता है। और लास्ट में डायमंड शेप की तरह ही कलर्स के सिंबल्स हमारे पास आते हैं। तो आप इनमें से जो भी स्टाइल फिल करना चाहते हैं वो फिल करें और जो कलर अपने लिए चूज करना चाहते हैं वो कलर अपने लिए चूज करें। तो एक सिंपल तरीका है बैकग्राउंड कलर पे जो अवेलेबल कलर्स हैं, ग्रेडेड कलर्स हैं, उनको यूज करते हुए अपने लिए बैकग्राउंड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं। देन उसके बाद मैं इस पेज को मिनिमाइज करता हूं और अपने ब्राइट के पेज पे दोबारा आता हूं। मैं इस पिक्चर को यहां से लेकर अपने उस बैकग्राउंड पे ले जाना चाहता हूं। तो हम सबसे पहले पिक्चर को डुप्लीकेट करते हैं, ओके, और देन उसके बाद यहां से मैग्नेटिक टूल या लूजी टूल दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करते हैं। मैंने फिलहाल लूजी टूल लिया है। लास्ट लूजी टूल की सिलेक्शन करते वक्त हम लोगों ने फैदर नाम की कोई चीज को डिस्कस नहीं किया था। आज मैं फैदर को भी आपके साथ ऐड कर रहा हूं। फैदर पे माउस रखने से उसकी प्रॉपर्टी देखें क्या आ रही है। सॉफ्टनेस एजेस ऑफ द सिलेक्शन, यानी आपकी जो सिलेक्शन होगी उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। मैं चाहूं कि उसकी सॉफ्टनेस जो है वो 2 के करीब रखी जाए। जितने प्रोफेशनल यूजर जो कि आमतौर पर ब्राइड्स की इमेजेस या ग्रूम की इमेजेस के ऊपर काम करते हैं वो हमेशा इनके जो सिलेक्शन के वक्त फैदर रखते हैं वो 2 को इस्तेमाल करते हैं। देन हम इसके बाद प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी जूम की मदद लेकर मैं ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा कर देता हूं और यहां से दोबारा पॉलीगन टूल की मदद लेकर रेंज सिलेक्शन का टूल लेता हूं। अब पिक्चर जो है वो मुझे बिल्कुल बॉटम हिस्से सेलेक्ट करनी है। तो हम स्पेस बार दबाते हैं। स्पेस बार दबाने से हमारे पास हैंड का टूल आ जाता है।
हैंड का टूल आने से फायदा यह है कि आप माउस से क्लिक करते हुए जब मूव करेंगे तो आपकी पिक्चर को आप इजीली मूव कर सकते हैं, और जब आप हैंड टूल छोड़ेंगे तो लास्ट आपके पास जो टूल था वो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तो हमने अपने इस पॉलीगन टूल की मदद लेते हुए रेंज बनाना शुरू की, और मेरे पास इस वक्त फैदर 2 के करीब ऑन है। बहुत ही माइनर लेवल पे सिलेक्शन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो कुछ इस तरह का है कि जिसमें बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी यूज हुई है, तो इसकी सिलेक्शन हमें बहुत ही केयरफुली करनी होगी वरना ऑब्जेक्ट की रेंज जो है वो खराब आ जाएगी। जब मुझे पिक्चर को मूव करना है तो मैं स्पेस बार दबाकर हैंड टूल ले लेता हूं, और मेरे पास पिक्चर मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट आ जाता है, और जब मुझे दोबारा अपने लिए सिलेक्शन का टूल चाहिए तो इसी स्पेस बार को मैं छोड़ देता हूं तो मेरे पास नॉर्मल टूल दोबारा आ जाता है, जिससे मैं ना फाइनली सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं जूम टूल की मदद से इसको फिट टू स्क्रीन कर देता हूं ताकि पेज मुझे बिल्कुल ठीक से नजर आए, और मैं इसको रीस्टोर करके अपने पुराने पेज को ओपन करता हूं और इसे भी रीस्टोर कर लेता हूं। अब मैं इस पिक्चर को अपने पेज पर ले जा रहा हूं, आप देखें इसके जो कॉर्नर एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ कट हुए हैं। मैं इसका जूम बड़ा करता हूं और इसके बैकग्राउंड को फैला देता हूं, ये देखें इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कटिंग हुए हैं, जिसमें ड्रेस जो है वो पूरी तरह से ठीक से आ रहा है। लास्ट हम लोगों ने जब इमेज की सिलेक्शन बनाई थी तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पिक्चर जो है वो कॉर्नर से ठीक तरह से सिलेक्शन उसका नहीं बन रहा था, और कटिंग जो है वो इतनी अच्छी से हम नहीं कर पाते। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इसको सबसे पहले डिस्कस किया कि जब भी आप सिलेक्शन करें तो ख्याल रखें कि आपके पास फैदर जो है वो 2 के करीब हो, ताकि इसके जो कॉर्नर एजेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मली हो जाए। पिक्चर आपके पास एक अलग लेयर पे आ रही है जबकि बैकग्राउंड आपने एक सेपरेट लेयर पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप बैकग्राउंड के कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।